बारिश में मकान गिरने से युवती की मौत, दो गंभीर रूप से घायल। बिलारी में मंगलवार आधी रात के बाद पड़ी बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं कुछ लोगों के लिए बारिश मुसीबत बन गई। बारिश में एक गरीब का मकान गिर गया। मलबे में दबकर एक युवती की मौत हो गई जबकि परिवार के दो लोग घायल हो गए। घटना थाना डिलारी के गांव सिहाली खद्दर की है। यहां यूनुस का मकान है। बुधवार की दोपहर में वह परिवार के साथ मकान में लेटे हुए थे। वहीं पर उनकी भतीजी रजिया, पुत्री रहीमुद्दीन उर्फ कलवा अपने चाचा के घर किसी काम से आई थी। अचानक मकान की छत भरभराकर नीचे गिर गई। उसके मलबे में पूरा परिवार दब गया। आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए। वहां चीख पुकार मची थी। मलबे में दबे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। लोगों ने मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला। जानकारी होने पर थाना अध्यक्ष बिलारी संजय शर्मा फोर्स के साथ वहां पहुंच गए। उधर सूचना पाकर उप जिला अधिकारी ठाकुर द्वारा, अवनीश कुमार तहसीलदार, नायब तहसीलदार लेखपाल भी पहुंच गए। पुलिस ने लोगों की मदद से घायल परिजनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां रहीमुद्दीन की 13 वर्षीय बेटी रजिया को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार के अन्य सदस्य घायल हो गए। घायलों में यूनुस के अलावा पत्नी रिहाना 37 साल शामिल हैं। इन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पीड़ित परिवार ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरीफ है। कहाँ के निवासी हो? सियाली के। अच्छा, ये मकान जो गिरा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये था सर, मैं रही बराबर में ही घर था और मैं बैठा हुआ था। वो मेरे पास में 3 लोग भी थे। उसके बाद में इनके जो घर से बच्चे भागे तो मैं एकदम से ही सीधा ऐसे उठ के नेकर बनियान में चला आया। चले आने के बाद में मैंने इसको देखा तो ये लिंटर धीरे धीरे जा रहा है। अच्छा। ये आगे 2-3 इनके घर वाली थी, एक भूरा, इन पर के बच्चे लिपट रहे थे। उनको मैंने हटाया और हटाने के बाद में एक बच्चे उनकी घरवाली का हाथ खींचा और खींचने के बाद में वो कहने लगी कि मेरा बाँह टूटी। मन की बाँह टूटने दो, मगर टूट गया। उसके बाद में फिर उसने बताया कि 3-4 बच्चे मेरे और हैं इसमें, तो उनके बाद में मैंने उन बच्चों को भी पकड़ा। ये जो लड़की थी ये इसके लिंटर के ही साथ साथ नीचे को चली, ये जाकर रहते में जो है नीचे था। फिर बहुत सारे लोग आए, फिर मैंने ऐलान को कहा कि ऐलान कर दो, मतलब एक लड़की खत्म हो चुकी है इसमें। हाँ, दबके एक और बाकी का, बाकी और सब ठीक है। ठीक है, चोट है उनके? हाँ, एक क्या उसके खबे में भी दर्द है, वो मुरादाबाद गए हुए हैं। मुराद है वो? हाँ, वो मुरादाबाद में है, जो उनकी भैया की बीवी है। कोई प्रशासन आया यहाँ मौके पर? कोई प्रशासन यहाँ पहुँचा? हाँ, मौके पर आए थे प्रशासन। बाद मतलब कौन आए थे? पुलिस भी आई थी और SDM साहब भी थे, पटवारी भी थे। अच्छा। बहुत सारे लोग आए। हाँ, क्या हाल बसन दिया उन्होंने? बस ये आप लिख के ले गए वो, और इनके फोटो वोटो खींच के ले गए और आप और सब कुछ लिख के ले गए तो साथ साथ ये। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अखलाक हुसैन। किस पद पर रहो आप? अपने गाँव में मैं मास्टर रहा। किस प्रधान पद पर आप? क्या प्रधान पद पर? हमारे बेटे की पत्नी। जी जी। अच्छा, ये आपके यहाँ मकान गिरकर जो हादसा हुआ है, क्या है पूरा मामला? इसमें मामला ये है सर, पीछे खेत था जी, वो मकान से काफ़ी गहरा था, जिसकी बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी भरने से वो मकान की दीवार फिसली और लिंटर गिर गया। जी। उसके नीचे 5 व्यक्ति दबे जो 4 अस्पताल में भर्ती हैं और एक मृतक है जिसका नाम रजिया। कोई यहाँ पे प्राथमिक प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे? सारे SDM साहब, SO डिलारी और नायब तहसीलदार, कानून को और लेखपाल आदि काफ़ी संख्या में अधिकारी। अच्छा, क्या आश्वासन दिया इन्होंने कुछ? इन्होंने आश्वासन ये दिया है कि इन्हें कुछ बताया जाएगा, जो शासन के आदेश हैं उसी के आधार।